किसानों की खेती। प्रस्तावना। इस वीडियो में हम किसानों यानी फार्मर्स के खेती करने के कुछ तरीकों के बारे में जानेंगे। कुछ दिनों में बिट्टू के स्कूल में वार्षिक उत्सव होने वाला है और एक नाटक में बिट्टू हिस्सा लेने वाला है। बिट्टू आज जल्दी नहाकर तैयार हो गया है। वो अब स्कूल बस का इंतजार कर रहा है। तभी उसके दादाजी मॉर्निंग वॉक करके वापस आ जाते हैं। अरे बिट्टू, आज तो तुम इतनी जल्दी तैयार हो गए। हाँ दादाजी, आज से स्कूल में नाटक की तैयारियां शुरू हो रही हैं। तो तुम नाटक में क्या करने वाले हो? मैं किसान बनने वाला हूँ। बहुत बढ़िया, पर बिट्टू तुम तो रोज खाने के बाद सब्जी बर्बाद करते हो। और किसान तो सब्जी उगाता है, कभी बर्बाद नहीं करता। लेकिन दादाजी, मुझे तो सब्जियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बिट्टू, हमें कभी खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम्हें पता है किसान कितनी मेहनत से सब्जियां उगाते हैं? नहीं दादाजी, ये तो मुझे नहीं पता। क्या तुम्हें पता है किसान सब्जियां उगाने के लिए क्या क्या करते हैं? सभी किसान अलग अलग तरीकों से अलग अलग सब्जियां उगाते हैं। चलो मैं तुम्हें प्याज की खेती के बारे में बताता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी भी प्याज की खेती करते थे। सच में दादाजी, मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ बिट्टू, अब सुनो। मेरे पिताजी प्याज की खेती की शुरुआत हर साल जुलाई के महीने में करते थे। जुलाई आते ही किसान अपने अपने खेतों को खूंटी की मदद से नरम करना शुरू कर देते हैं। क्या तुमने कभी कोई खेत देखा है? उस खेत की मिट्टी को नरम करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? इसके बाद बैल कुरीगे को खींचते जाते हैं और किसान पीछे से प्याज के बीज डालते रहते हैं। बचपन में उन्हें देखकर मेरा भी बीज डालने का मन करता था। दादाजी, फिर क्या आप भी प्याज के बीज डालते थे? नहीं बिट्टू, खेतों में सही तरह से बीज डालने के लिए काफी अनुभव की जरूरत होती है। क्या तुमने किसानों को खेतों में बीज डालते हुए देखा है? तुम्हें क्या लगता है खेतों में बीज डालते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है? उसके बाद किसान क्या करते हैं? इसके बाद किसान 20 दिनों तक इंतजार करते हैं। 20 दिनों बाद खेत में प्याज के छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं और साथ ही खरपतवार भी निकल आती है। ये खरपतवार क्या होती है दादाजी? क्या तुम्हें पता है खरपतवार क्या होती है? खेतों में पानी और खाद डालने की वजह से फसल के साथ साथ कुछ अनचाहे पेड़ पौधे भी निकल आते हैं, जो हमारे किसी काम के नहीं होते। उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। खेतों से खरपतवार को निकालना बहुत जरूरी होता है। क्यों दादाजी? बिट्टू को तो पता नहीं, पर क्या तुम बता सकते हो कि खरपतवार को निकालना जरूरी क्यों होता है? क्योंकि अगर किसान खरपतवार को नहीं निकालेंगे तो सारा खाद और पानी खरपतवार ही ले लेगी और प्याज की फसल कम हो जाएगी। फिर कुछ दिनों तक प्याज के बड़े होने का इंतजार किया जाता है।
प्याज बड़ी होने के बाद क्या होता है दादाजी? कुछ दिनों बाद जब प्याज बड़ी हो जाती है तो इलीगे की मदद से प्याज को पौधे से अलग कर लिया जाता है। तुम्हें पता है इलीगे क्या होता है? तुम इसे किस नाम से बुलाते हो? और बिट्टू, हाथों को इलीगे पर ध्यान से चलाना होता है, नहीं तो इससे हाथ भी कट सकता है। सारी प्याज पौधे से अलग करने के बाद वो इसे बड़े बड़े बोरों में भरकर मंडी में बेचने जाते हैं। दादाजी, इसे बेचने पर तो उन्हें अच्छे पैसे मिलते होंगे। नहीं बिट्टू, हमेशा वो अच्छे पैसे नहीं कमाते, कभी कभी उन्हें खेती में नुकसान भी होता है। बिट्टू ये सुनकर थोड़ा मायूस सा हो गया। तुम्हें किसानों की हालत के बारे में जानकर कैसा लगा? किसान इतनी मेहनत से सब्जी उगाते हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मैं आज से बिल्कुल भी खाना बर्बाद नहीं करूंगा। बिट्टू ने तो ठान लिया कि वो अब कभी खाना बर्बाद नहीं करेगा। दादाजी और बिट्टू बातें कर रहे थे, तभी बिट्टू की स्कूल बस आ जाती है। दादाजी, मेरी बस आ गई, अब मैं जाता हूँ। ठीक है बिट्टू, जाओ, आज स्कूल में अच्छे से खेती करना। ये सुनकर बिट्टू हंसता है और स्कूल के लिए निकल जाता है। सारांश, इस वीडियो में हमने किसानों के खेती करने के कुछ तरीकों के बारे में जाना।